Welcome to all class 6 student. Today we are going to start history chapter 3rd, that is your Arambik Nagar. Okay, in the earliest cities, this is your chapter 3rd. So students, in this chapter we will discuss about the story of Harappa and our ancient civilization, that is also called Indus Valley civilization. इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं. तो हम लोग इस चैप्टर में इसी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी पढ़ेंगे. तो इस शुरू में बच्चों, यहाँ पे हरप्पा की कहानी कुछ इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि जैसे आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि इंजीनियरों को अचानक से जब खुदाई हो रही थी ना, तो खुदाई में हरप्पा का पूरा स्थल मिला. और जो आधुनिक अभी पाकिस्तान में आता ही हरप्पा, तो उन्होंने सोचा कि खंडर होगा, यहाँ पे अच्छी ईंटें मिलेगी. ठीक है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने है ना हरप्पा के खंडरों को, हजारों ईंटें उखाड़ ले गए और बाद में उसी से रेलवे लाइनें बिछाई गई. तो क्या हुआ कि इससे जितनी इमारतें जो मिल रही थी, जो खंडर की इमारतें, वो क्या हो गया, बहुत सारी तो नष्ट हो गई थी है ना पूरी तरह से. उसके बाद लगभग 80 साल पहले ना पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा लगभग 80 साल, और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वहाँ पे गए, उन्हें पता चला कि यहाँ पे इस प्रकार की जो है वो मिल रही है. ठीक है, ईंटें वगैरह मिल रही है, तो वहाँ पे खुदाई का काम शुरू हुआ. ठीक है, ये हुआ था 1921 की बात है. ठीक है, एक अंग्रेज थे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में वहाँ पे खुदाई शुरू हुई थी. तब पता चला कि खंडहर जो था ना, ये उपमहाद्वीप के सबसे पुरानी शहरों में से एक है. और चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, ठीक है, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरास्थलों को जो इमारतें और चीजें मिली, उसको हरप्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया. ठीक है, और इन शहरों का निर्माण लगभग आज से 47 साल पहले हुआ था. तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो सबसे पुरानी सभ्यता, जो नगरीय सभ्यता है ना, ये हमारी एक विरासत है, हमारा एक बहुत बड़ा, जो कहते हैं कि उस समय जैसे आप आज रहते हो ना, वैसे ही आज से लगभग 5000 साल पहले भी मनुष्य इसी तरह जो है शहर में, नगर में, ऐसे बस्तियों में रहा करता था. नेक्स्ट पेज पे हम लोग चले कि क्या है आगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो नगर मिला है, इन नगरों की विशेषता क्या थी, कैसे नगर मिले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो नगर मिले हैं वह दो पार्ट में मिला है ना, एक है अपर पार्ट और दूसरा है लोअर पार्ट. तो जो अपर पार्ट है, ठीक है, वो प्रायः वेस्टर्न साइड, जो ठीक है वेस्ट में मिला है, और वेस्ट में मिला है, और ये भाग क्या है, शॉर्टर, छोटा है. ठीक है, और ये शॉर्टर है बट हाइयर, ठीक है, ऊंचा है. तो ये पश्चिम में जो भाग मिले हैं वह ऊंचा है और वह क्या है, लेकिन वह छोटा है. इसलिए पुरातत्वविदों ने इसको क्या कहा, नगर दुर्ग. नगर दुर्ग मतलब इसको सीटाडेल भी इंग्लिश में कहते हैं, सीटाडेल कहा गया है ना. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटाडेल आप हमेशा दिमाग में रखोगे कि सीटाडेल जो नगर दुर्ग होता था, जो ऊंचाई वाले भाग, जो हाइट वाले, जो ऊंचाई वाले होते थे ना, हाइट वाले, उस भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा, सीटाडेल का. और जो ईस्टर्न पार्ट था, ठीक है, जो लोअर पार्ट थे वह ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न में थे, तो वो क्या था, लोअर था और बड़ा था. तो इसको निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया. और जो दोनों पार्ट थे वह बनाए गए थे, वह पक्की, जो कहते हैं ना पक्का ईंट, ब्रिक्स, जो ब्रिक्स बनाए गए थे ना, जिसको हिंदी में ईंट ईंट कहते हैं. तो ये चार दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, जिसको पक्का ईंट भी कहा जाता है. और आपको पता है ये ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज भी इनकी दीवारें वैसी की खड़ी हैं. और दीवार बनाने के लिए इन्होंने ईंटों की जो जो चिनाई की थी, इस तरह की दीवारें काफ़ी मजबूत रहे. चिनाई मतलब कि वहाँ पे ईंटों को ऐसे बनाया गया था, ठीक है, आपस में एक दूसरे को फिक्स करके, जैसे ये ईंटें हैं, ठीक है, तो ऐसे ईंटें आपस में इंटरलॉक करके बनाए गए थे. ठीक है, ऐसे करके इंटरलॉक होता है, इसको चिनाई कहते हैं, जिससे दीवारें जो मिली है हरप्पा सभ्यता की, जो जितने भी मिले हैं इमारतें, वो काफ़ी मजबूत हैं. तो इन नगरों को जो है बहुत सारे ऐसे जो है नगर दुर्ग में काफ़ी कुछ बहुत इमारतें मिली है खुदाई में, ठीक है, जो खास इमारतें बनाई गई थी. फॉर द एग्जाम्पल्स, जो आपको पता होगा मोहनजोदड़ो, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो बहुत फेमस है, दैट इज़ अ ग्रेट बाथ ना, वहाँ पर जो ग्रेट बाथ है, स्नानागार, ठीक है, जो हिंदी में स्नानागार कहते हैं. जैसे आज आप लोग स्विमिंग पूल में जाते हो ना, स्विमिंग पूल सभी जानते होंगे कैसे स्विमिंग पूल बना होता है, तो ऐसे ही स्विमिंग पूल यह है महान स्नानागार, जिसको हिंदी में कहते हैं, ऐसा स्नानागार मिला है कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में.
ने मोहनजोदड़ो आप देख सकते हैं इस मैप में, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया जो वेस्टर्न पार्ट में जो मिले हैं, ठीक है। इसको सिंधु घाटी आप देखो इस मैप पे आपको समझ में आ जाएगा, जो सिंधु नदी है ना ये सिंधु नदी है और यहाँ पे इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, आप देख रहे हो इन्हीं सिंधु और सहायक नदियों के किनारे किनारे ही ये हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई थी, इसलिए इसको सिंधु इंडस वैली या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, इसी मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, महान स्नानागार मिले हैं ना, ग्रेट बार्ड एंड इट इज फेमस फॉर दिस। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ग्रेट बार्ड, तो आपको पता है इस तालाब को बनाने में जो ब्रिक्स एंड प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल जानते हो, जो चारकोल जो जिससे क्या होता है पानी जो है वो रिसता नहीं है और जो है वह परत जो चढ़ाने के लिए वहाँ ना काई भी लगता है और ना ही वह क्या होता है कि बहुत सेफ होता है, पानी रिसता नहीं है उसमें। तो ऐसा चारकोल उस जमाने में भी मोहनजोदड़ो में यहाँ पर मिला है ना स्नानागार में। और यहाँ इस सरोवर उतरने के लिए सीढ़ियाँ, ठीक है, ऐसे बने हैं बीच में और चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी है उतरने के लिए इस महाबाद में, और ये ऊपर में क्या बना है प्लेटफॉर्म बने हैं, ठीक है, ऐसे चारों तरफ और यहाँ पे सीढ़ी बनी है, ठीक है। तो ऐसे करने के चारों तरफ कमरे जैसे बनाए गए और इसमें भरने पानी भरने के लिए निकालने के कुओं का इस्तेमाल किया जाता था, बट आफ्टर यूज इसको वैकेंट कर देते थे, खाली कर देते थे, ठीक है, और फिर से फ्रेश पानी भरा जाता था। तो मे बी शायद यहाँ पे जो पानी होता था ना वो सिंधु नदी से ही लाया जाता होगा, है नदी का पानी ही सप्लाई होकर के यहाँ तक लाए जाते होंगे। और ऐसा लगता है इतिहासकारों को कि शायद यह जो बात स्नानागार है कुछ स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल ओकेजन पर इसका उपयोग होता हुआ हो, है ना, करते होंगे लोग जो है कुछ पर्व त्यौहार उस सब पर ये लोग जो है सामूहिक स्नान करते होंगे, इसलिए ऐसा उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया। इसके अलावा कुछ और प्लेस मिले हैं, कालीबंगा एंड लोथल, यू सी इन दिस मैप, है ना, कालीबंगा आपको जो है कहाँ पे है, दिस इज हियर कालीबंगा एंड यहाँ पर है लोथल, ठीक है। तो कालीबंगा एंड लोथल भी जो मिले हैं इस प्लेस में, आप देखोगे यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे मिला है ना यज्ञ, है ना, ऐसे कुछ अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड जैसे होता है ना जहाँ आप जब पहले यज्ञ करते थे तो यहाँ पे आपको पता आपने देखा भी हो टीवी, ठीक है, इस तरह का जो है फायर जो है मिला है और सब पता है यहाँ पे यज्ञ किए करते होंगे ये लोग। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े स्टोर, है ना, स्टोर हाउस मिले हैं। स्टोर हाउस क्या होता है, जहाँ पे अनाज या बहुत सारे सामान को हम लोग क्या करते हैं स्टोर किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें मिली हैं, ठीक है, इससे पता चलता है कि वो कितना खास नगर डेवलप होगा उस जमाने में। आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर यू सी द ग्रेट वाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, ठीक है, कितना मतलब कितना सुंदर कितना अच्छा बनाया गया होगा आज से हजारों साल पहले, कितने वेल डेवलप्ड और कितने वहाँ पे स्पेशल स्किल्ड लोग होंगे, है ना, इसको बनाने वाले भी बहुत ही कुशल जो कहते होंगे स्पेशलाइज पीपल होंगे जिन्होंने बनाया होगा। आगे चलते हैं और क्या मिला है, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स मिली है, ठीक है, और नाले मिले हैं, सड़कें मिले हैं। तो वो कैसे हैं, तो आमतौर पर जो घर मिला है हड़प्पा में या एक या दो मंजिलें मिले हैं, है ना, डबल स्टोरेड मिला है और घर के आंगन में चारों तरफ कमरे बनाए गए थे और अधिकांश घरों में एक अलग से क्या होता था बाथ भी होता था स्नानाघर, और हर कुछ घरों में कुआं भी मिला है। तो यहाँ जो हड़प्पा में जो नगर मिला है बच्चों, ये जो मिले हैं ना नालियाँ, जो नाली जो होती थी ना वो क्या होता था ढकी होती थी, ठीक है, और ढकी इनको सावधानी से जो नाली मिलता था जिससे घर की नाली को बड़ी लाइन में जो है गली की लाइन में मिला दी जाती थी ताकि हर घर का पानी जो है मेन नाली में मिले। और साथ ही सब जगह होल भी होता था चैम्बर जहाँ पे कभी चोक हो गया तो साफ करने के लिए जो है वह जगह जगह मेन होल भी बनाए जाते थे, इसके जरिए इनकी जो है केयर की जा सके और इनकी क्लीनिंग भी की जा सके। तो आप देखोगे घर, नाले, सड़क, इन सबको बहुत ही प्लानिंग वे में एक साथ सब बनाया गया था। सो इट इज़ अ वेरी प्लान्ड सिटी, प्लान्ड सिटी जो होता है ना दैट इज़ वेरी, इसको प्लानिंग में बनाया गया था। तो एक योजनाबद्ध नगर था जिसमें हर तरीके से घर भी बहुत ही, है ना, एक लाइन होते थे, सड़कें जो है एक सीधी होती थी और आपस में एक दूसरे को रेक्टेंगल पे काटती थी। तो ये सब जो है बहुत ही एक यूनिक जो है सिटीज देखकर लगता है। नेक्स्ट है यहाँ के लोगों का लाइफ कैसा था, व्हाट इज द लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल। तो हड़प्पा के नगर बहुत ही क्या रहते थे, बहुत बिजी थे, है ना, बिजी रहते थे और यहाँ पे जो लोग थे कोई ना कोई काम करने में जुटे थे और खासकर जो लोग थे पीपल, है ना, वो इमारतें बनाने, क्योंकि बहुत सारी इमारतें मिली है इससे लगता है कि यहाँ के लोग ज़्यादातर जो आम लोग हैं वह इमारतें बिल्डिंग बनाने की काम योजना करती थी और बनाते रहते थे।
तो ये बनाने वाले समय पे यहाँ के रूलर्स होंगे, है ना, जो शासक होंगे, रूलर्स, राजा, ये लोग बनवाते होंगे। और इनको बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे, लोगों को दूर दूर भेजते थे, और वहाँ से जो है मेटल्स, एक्सपेंसिव जो है स्टोन्स और बहुत सारे, है ना, यूजफुल चीज़ मंगवाते थे। तो शायद शासक लोग खूबसूरत मन के सोने चांदी के, है ना, आभूषण, आभूषण जो ऑर्नामेंट्स जो पहनते हैं ना, ऐसी कीमती चीज़ों को वो ही अपने पास रखते होंगे, क्योंकि तो ये सब चीज़ बहुत सारी जो है खुदाई मिली है। इट मीन्स जो बनाए जाते थे ऑर्नामेंट्स और जो बड़ी बड़ी इमारतें मिली है, ये किसके लिए बनाते होंगे, रूलर्स के लिए, तो रूलर्स इनको बनवाया करते होंगे। इसके अलावा नगर में स्क्राइब्स, है ना, जो लिपिक, लिपिक कौन होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़ने लिखाई का काम करते हैं, क्योंकि हड़प्पा में बहुत सारे सील्स मिले हैं, है ना, मुहर, और इस मुहर पे जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ जो जो है स्क्रिप्ट है, वो लिखने वाले कौन होंगे, तो यही लोग होते थे स्क्राइब्स, लिपिक, जो शायद लिखते होंगे और वे इन चीज़ों पे लिखते रहे होंगे, जो बहुत सी चीज़ें तो बच भी नहीं पाई, है ना, क्योंकि काफ़ी बहुत पुरानी बात हो गई है, तो इसलिए, लेकिन जो मुहर मिली है इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, तो ये लिखने वाले ऐसे लिपिक भी होते होंगे, पढ़े लिखे लोग। इसके अलावा नगर में बहुत सारे आर्टिजन, क्राफ्ट्समैन, है ना, मैन वुमेन भी रहते थे, जो कई तरह के उद्योग स्तर पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग यहाँ पे ट्रैवल भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु भी लाते थे। और काफ़ी इसके अलावा यहाँ से और भी बहुत सारे कहानी, किस्से, कहानियाँ भी मिली हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत से मिट्टी के बने, टेराकोटा के बने खिलौने भी मिले हैं, है ना, जिससे बच्चे खेलते होंगे। तो टॉयज जो मिला, टेराकोटा का जो टॉयज मिले हैं, इट मीन्स कि ये सब चीज़ें ये लोग बनाते होंगे, जो सब खुदाई में मिली है। तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जो मिला है, ये दिस इज द सील, है ना, ये एक सील का एक जो पिक्चर है, इसमें आप देखोगे जो एनिमल्स है ना, इनमें एनिमल्स, हर सील पे किसी न किसी एनिमल्स को जो है इंस्क्राइब किया गया है, और पर कुछ इसके, है ना, स्क्रिप्ट लिखी है। और आप देखोगे इसमें बहुत सारे जो आपको दिख रहा होगा, है ना, हॉर्स है, राइनो है, ठीक है, बुल है, ठीक है, पिग है, गोट है, इस तरह का जो है बहुत से एनिमल्स मिले हैं। तो विद्वानों ने जो बहुत, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जो हड़प्पा की जो लिपि है, ये आज तक जो है विद्वान पढ़ नहीं पाए कि उसकी लिपि जो क्या है ना, कौन सी भाषा है, किस भाषा में बोलते थे, लिखते थे। विद्वानों ने बहुत पढ़ने की कोशिश की उनकी लिखी हुई चीज़ों को, बट वो आज तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। और आप देख सकते हैं दाई पकी जो है, ये टेराकोटा के खिलौने भी आपको दिख रहा होगा, और ये मुहर के चित्र है। और इस बगल में आप देख सकते हैं ये मोहनजोदड़ो में जो खुदाई में नालियाँ मिली है ना, वो नाली का चित्र है, और एक यहाँ पर आपको क्या मिला है, कुआं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है बहुत सारी चीज़ें खुदाई में मिला है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे नगर में जो नए शिल्प है ना, क्या क्या यहाँ पे स्कल्पचर था, क्या आर्ट था। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें बहुत सी चीज़ें मिली है, जिनमें स्टोन, है ना, शंख, और जो कॉपर, जो है कांसा, है ना, गोल्ड, सिल्वर की बहुत सारी चीज़ें मिली है, जो इन धातुओं से बनाई गई थी। और इन लोगों ने जो है कॉपर एंड जो जो कांसा जो होते हैं ना, उससे मिलाकर के एक नया जो बनाया था पीतल, ठीक है, ब्रॉन्ज बनाया था। तो इसके बहुत सारे जो है टूल्स मिले हैं, और है ना, हथियार मिला है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, यूटेंसिल्स मिला है, और सोने और चांदी के गहने और बर्तन भी मिले हैं, क्योंकि ये सब खुदाई में मिली है। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें धातुओं के बारे में जानते थे हड़प्पा के लोग, और इन धातुओं का इस्तेमाल वह गहने, बर्तन, औजार, ठीक है, बनाने में किया करते थे। बगल में आप चीज से पिक्चर में देख रहे हो पत्थर के बाट, है ना, ये भी जो बाट जो है सील मिला है ना हड़प्पा में, उसका जो ऐसी वह स्क्वायर, है ना, चौकोर आकार मिले हैं। और बगल में आप देख सकते हैं शायद ये जो तोलने के लिए लोग बनाते होंगे इस तरह के बाट मन के, जिससे आप लोग आ जाते हो शॉप में, और दुकानदार आपको जो बेटा तो बाट कर रखता है, वो ना बाट रखता है ना, बेट रखता है, तो उस समय इस प्रकार की चौकोर बाट मिले हैं। तो शायद वो इसका इस्तेमाल जो है कुछ बेचने के लिए जो है वह भार का, वेट, वजन नापने के लिए किया करते होंगे, है ना, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ऐसे मिला है। तो इसका इस्तेमाल बाट करने, बाट तोलने में होता होगा। यहाँ सबसे मिली जो अगर वस्तु में मन की बाट और फलक है, दैट इज़ वेरी जो है लगता है, मतलब बहुत ही वंडरफुल थिंग्स मिले हैं, जिसको देख कर आश्चर्य लगता है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल वह करना जानते थे। ये ऑर्नामेंट से कुछ पिक्चर है, और कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं ना फलक ऐसे मिले हैं। तो ये सब बिल्कुल भी लगता है जो मिले हैं ये कार्निवल पत्थर, देखो ये पत्थर से है, एक विशेष प्रकार से बनाए गए हैं, और पत्थरों को काट काट कर तराश कर मन के बनाए गए हैं, इनके बीच में छेद किया गया है। आप देख सकते हो कितना कितना महीन काम किए गए हैं, बीच में छेद से करके धागे पिरोए गए हैं, ठीक है, और धागा पिरो करके माला बनाई गई है, और मध्य में दाएं पत्थर की धारदार फलक, है ना, आप देख सकते हैं कितना ही और शार्प है। नीचे
तो ऐसी चीजें जो देख कर लगता है कि हड़प्पा के लोग काफी स्किल्ड कुशल जो है ना कलाकार होंगे, ठीक है, दक्ष। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। मुहर होता है, ठीक है, सील इन, और ये जो इनका जो आकार कैसा होता था, रेक्टेंगुलर सील। और इन सील पे जनरली एनिमल्स की पिक्चर, एनिमल्स को ही इस पिक्चर को इंस्क्राइब किया गया है। और हड़प्पा के लोग काले रंग के है ना, वो ब्लैक कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, और बहुत ही सुंदर लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो आपको आगे लाल मिट्टी के बर्तन जो दिख रहे हैं यहाँ पे आगे पिक्चर में दिखाया गया है। मैं दिखा देती हूँ अभी आपको, तो समझ में आ जाएगा। रेड कलर का जो एक बर्तन मिला है, चलो अब उसको पीछे मैं दिखाती हूँ, चल आगे पीछे कहीं है तो उसको हम दिखाते पहले आपको। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें जो मिली है खुदाई में है ना, तो ये आप जो बर्तन जो मिले हैं इससे देखकर जो मिले हैं पुरातत्वविदों को, ये बहुत ही सुंदर इसको कलर्स किया गया है, और इसमें एक शाइनिंग ग्लेस लाने के लिए है ना, चमकदार बनाने के लिए एक विशेष रंग का जो है डिज़ाइन किए गए। तो ये जो है बर्तनों बर्तन का इस्तेमाल हुआ जो है किचन खाने पीने की चीज़ें और स्टोर करने में रखते होंगे। उसके बाद आप देखोगे संभवतः 7,000 साल पहले है ना, मेहरगढ़। मेहरगढ़ आप है ना प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं मेहरगढ़ के बारे में, कि मेहरगढ़ में कैसे जो हम लोग को क्या क्या खुदाई में मिले थे, याद होगा बच्चों आपने तो। आपका थर्ड चैप्टर जो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको आप लोग फिर से देख लोगे उसकी वीडियो, कि मैंने बताया था कि कैसे मेहरगढ़ में खुदाई में जो चार है ना चार कमरों वाले जो मिले हैं, ठीक है, इसमें, और कैसे अलग अलग कमरों में कैसे लड़ते थे, और वहाँ पर हर वो चीज़ें मिली है, किचन अलग मिला है, स्नानाघर, रसोई घर, और मुहे जो, तो ये स्नान। इसके अलावा यहाँ पे खुदाई में पुरातत्वविदों को है ना कई बार खुदाई में जो पहले तो वाइल्ड एनिमल्स के कंकाल मिले, उसके बाद जो है मवेशियों के मिले, इसका मतलब है कि पहले वहाँ के लोग शिकारी खास संग्राहक थे, बाद में वो लोग क्या हो गए, पशुपालक हो गए। फिर बाद में लोगों ने वहाँ पे कुछ और जो मिला है अवशेष, उसमें जो हरम मेहरगढ़ में सबसे पहले लोगों ने जो वीट एंड बार्ली, ठीक है, वीट एंड बार्ली खेती करना शुरू किया था, और सबसे पहले इसी को उन्होंने खाना शुरू किया था ना एज अ फूड के रूप में, और वो आज भी आप देखोगे हमारे भोजन का मुख्य अंग है। तो मेहरगढ़ जो है बहुत ही डेवलप्ड जो है पहले सबसे पहले गांव थी, अर्लीस्ट विलेज थी, और बाद में या फिर धीरे धीरे जो क्या हो गई वो उसमें नगर शहर के रूप में विकसित होता गया। तो मेहरगढ़ में और भी जो है ऐसा अनुमान मिला है कि वहाँ पे कपास की खेती होगी होती होगी, क्योंकि मोहनजोदड़ो में जो है कपड़ों के वहाँ जो कुछ अवशेष मिले हैं ना, कुछ चांदी का जो फूलदान मिला है, वास मिला है, उसमें एक जो है जो लपटा हुआ है किस चीज़ का, एक कॉटन कपड़े जो है वो जो है कवर्ड किए हुए मिला है, ठीक है, इस पे चिपका हुआ मिला है कॉटन के कपड़े। इसका मतलब है कि आज से जो है लगभग 5,000 साल पहले मनुष्य जो है वह इस प्रकार के कपड़े सूती कपड़े का इस्तेमाल करते थे, और वो पहनना सीख है ना बनाते थे और पहनते थे। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा हो, ऐसी जो मूर्तियाँ मिली है, इस मूर्ति देखकर आप क्या देख रहे हो बच्चों, इस मूर्ति को देखकर आप देख सकते हैं कैसे ये जो आदमी है और ये जो शॉल ओढ़े हुए, ठीक है, आप देख सकते हैं ये शॉल ओढ़े हुए, दैट इज अ डिजाइनर है ना, कितना अच्छा डिजाइन किया हुआ है, इसमें फूलों की आकृति की हुई है। तो ऐसा देख के लगता है कि शायद वे लोग जो है वह सूत काटना और सूती कपड़े बनाना सीख गए थे, और ये जो है सूत कताई के लिए पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां है ना, स्पिंडल्स होता है ना उसका, वो लोग इस्तेमाल करते होंगे सूत काटने में। नेक्स्ट है, इनमें से तो आप देखो कि बहुत सारी चीजें मिली है, इसको देखकर लगता है कि इसको बनाने में जो बहुत ज्यादा जो स्पेशलाइज्ड समझते हैं, जो जो बहुत जिस काम में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग ही बनाते होंगे, सब लोग नहीं बना सकते हैं। तो इसको बनाने वाले जो विशेषज्ञ जिसको कहते हैं ना स्पेशलाइज्ड, वह उसको भी किसी खास चीज़ को बनाने के लिए एक खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती होगी है ना, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग है, सीखते होंगे पहले। तो ऐसा होता होगा कि कई ऐसे लोग होते होंगे जो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग भी दिया करते होंगे, जैसे पत्थर को तराशना, मन की चमकाना, मुहर पे पक्षीकारी करना, ठीक है, और इस प्रकार मूर्ति को मतलब कि चेहरा आकर्षक बनाने के लिए कैसे उसको बनाया गया होगा, और आप देख सकते हैं उसकी जो बियर्ड जो दाढ़ी बनी हुई है कितनी अच्छी से दर्शाई गई है। तो ये किसी ये काम किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार ही कर सकता है, सब नहीं कर सकते है, इसको करने वाले भी बहुत ही दक्ष लोग होंगे। तो हर व्यक्ति भी विशेषज्ञ नहीं हो सकता होगा, ठीक है, और हमें ये भी नहीं पता कि क्या यह काम जो केवल पुरुष करते थे या महिलाएं करती थी है ना, ऐसे काम प्रशिक्षण हासिल करते थे, या फिर महिलाएं करती थी है ना, या फिर दोनों मिलके करते होंगे, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है।
नेक्स्ट है फेयंस के बारे में, तो जाने फेयंस क्या होता है। फेयंस जो होता है ना पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे जो पाए जाते हैं जिन्हें फेयंस कहते हैं, तो फेयंस वो होता है जिसे में किसी को जो सनलाइट में बेक किया जाता है ना, सूर्य के प्रकाश में उसको पकाया जाता है। बेक तो मतलब उसको पका करके उसको तैयार की जाती है ना। और इसको करने के लिए बालू है ना, स्फटिक जो होते हैं क्वार्ट्ज स्टोन्स एंड जो सैंड होता है, इसके पाउडर को गोंद में मिलाकर उससे वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद उन पे एक जो है चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी परत के रंग में प्रायः येलो लाइट और हल्के ना वैसे सी ग्रीन सी का इस्तेमाल करते थे। तो फैन से मन की चुड़ियां वाले छोटे बर्तन ये लोग बनाते थे। तो अब तो बच्चों ये इतनी सारी चीज़ें आपने देखी, तो इन सबको बनाने के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल कहाँ से लाते होंगे है ना। तो ये रॉ मटेरियल जो जिसको कच्चा माल उनको कहते हैं, जो या तो नेचुरल मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क, ये तो नेचुरली हमें मिल जाते हैं। इसमें फिर भी कई तरह चीज़ें बनाई जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास है। कपास क्या होता है, कपास तो किसान जो है वो पैदा करता है, वो प्रोडक्शन करता है, तो उस कपास को हम कच्चा माल कहते हैं। और उस कपास से बाद में कताई बुनाई करके क्या बनाई जाती है, क्लॉथ तैयार की जाती है। तो हड़प्पा में लोगों की चीज़ें वहीं मिलती है, लेकिन तांबा लोहा सोना चांदी ये जो बहुमूल्य पत्थर है, ये पत्थर तो वहाँ नहीं मिल सकता है ना, सब धातु तो मिलता नहीं है। तो ऐसे मटेरियल्स को वो दूर दूर से क्या करते थे, मंगाते थे ना, आयात करते थे, करना मतलब वहाँ से मंगाया जाता था। तो देखो कहाँ कहाँ से वो क्या मंगाते थे। सॉरी, तो हड़प्पा के लोग देखो तांबे ना कॉपर को कहाँ से मंगाते थे, पॉसिबली वो आज के राजस्थान से मंगाते होंगे, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा तांबा पाया जाता है। यहाँ तक कि वेस्टर्न एशियन कंट्री ओमान से भी तांबा को मंगाया करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो मिट्टी जो टिन है, टिन को वो कहाँ से मंगाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से। और सोने को वो मंगाते थे कहाँ से, कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर को वो आयात करते थे गुजरात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो आप याद कर लेना कौन सी वस्तुएं जो है हड़प्पा के लोग कहाँ से मंगाया करते थे। ये आप देख सकते हैं चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं खिलौना है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैलगाड़ी जैसा बना हुआ पहिए बने हुए हैं। इट मीन्स ये गाड़ी जैसा जो है वो, जिसमें आने जाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल होता होगा। तो ये जो टॉयज मिला है, बट इट मीन्स कि वे इसका इस्तेमाल है ना करते होंगे आने जाने के लिए वाहन के रूप में। अब नगर में रहने वाले जो लोग थे, हड़प्पा के लोग जो रहते थे नगरों के अलावा आसपास गांव में भी रहते थे, ठीक है। तो गांव में रहने वाले लोग जो क्या थे, वो किसान थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। तो किसान और चरवाही जो शहर में रहने वाले जो थे, ठीक है, तो किसान और चरवाहे क्या काम करते, ये करते गांव में बहुत फसलों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। चरवाहे जो होते हैं वो पशु पालते हैं और दूध और पशुओं के उत्पाद को प्रोडक्शन करते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, शहर में रहने वाले जो रूलर्स जो राइटर्स है ना, जो दस्तकार जो है जो कारीगर जो होते थे वहाँ के लोगों को, वो खाने का सामान देते थे और इसके बदले वो उनको वो चीज़ें देते थे, ठीक है, शासक उनकी रक्षा करते थे। तो पौधों के अवशेष से पता चला है कि हड़प्पा के लोग है ना गेहूँ जौ दाल मटर धान तिल और सरसों, ठीक है, ये सारी फसलें बच्चों उसको आप याद कर लेना, ठीक है। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसल खाते थे। तो वीट बार्ली पल्सेस मटर, ठीक है, पीस वीट ऑयसेस एंड मस्टर्ड, ये सब वो लोग खाते थे। और जमीन के लिए वो कैसे जोते थे, तो जमीन के लिए जो है हल का प्रयोग आप सब जानते हो ना, हल सबने देखा है, तो हल का इस्तेमाल करते होंगे। और बहुत सारे हल तो बच नहीं पाए, काफी काफी लंबा टाइम हो गया, लेकिन ये प्रायः लकड़ी से बनाए गए हल का इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे क्योंकि बहुत सारे हल के आकार के खिलौने मिले हैं है ना खुदाई से, तो इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। तो उस समय पर पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर ऐसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो हड़प्पा के लोग जो है खेती करते थे, और खेती में इस प्रकार के हल आप देख रहे हैं ना, ऐसे हल की बना पुरानी प्रथा थी। और साथ ही हड़प्पा के लोग कौन कौन सी जानवर पालते थे, तो काऊ बफेलो सेप एंड गोट, दीज आर फोर मेन एनिमल्स दे पेट। इसके अलावा बस्तियों के आसपास उनके तालाब और चरागाह भी मिले हैं, तालाब जहाँ पे पानी है ना वो स्टोर करते थे, स्टोर रखते थे, और तालाब से इस्तेमाल बहुत सारे काम होता था। लेकिन क्या होता था, जब ड्राई सीजन होता था ना, तो मवेशियों के झुंड जो को चारा पानी की तलाश में, तो
दूर दूर जाना पड़ता था क्योंकि जानवरों को सबको पानी चाहिए, तो वो लोग ले जाते थे। इसके अलावा अब ये लोग बेर, अब यहाँ पे देखो एक फल का भी नाम आया है बेर, तो बेर आप याद रखेंगे हड़प्पा के लोग कौन सी जो फल खाते थे, बेर का। और मछलियाँ भी पकड़ते थे, फिश भी खाते थे, और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करके वो लोग खाते थे। अब कुछ नगर के नाम देख ले, हड़प्पा में कौन कौन से नगर जो इम्पोर्टेंट है, तो हड़प्पा कालीन जो नगर है वो गुजरात में जो मिला है ना, तो यहाँ पे कच्छ के इलाके में जो खादिर रेत में, आपको तो मैप मैं दिखा दूँ कि कहाँ पे जो धौलावीरा और लोथल आप देख लें, फिर हम एक मैप आपको अलग से मैं भेजूंगी। हाँ यहाँ पे है ये मैप, ये हड़प्पा के प्रमुख स्थल है, ठीक है बेटे बच्चों। ये है आपका गुजरात में धौलावीरा, ठीक है, और ये है लोथल, यू सी दिस, ठीक है, ये समुद्र के पास है लोथल एंड धौलावीरा। तो यहाँ से क्या मिला है चलिए हम लोग देख रहे हैं। तो धौलावीरा, एक सेकेंड कहाँ गए, तो कच्छ के इलाके में खादिर वेल के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, ठीक है, वहाँ पे साफ पानी मिलता था और जमीन भी क्या थी, उपजाऊ थी। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर को दो भाग में बांटा गया, ठीक है। तो धौलावीरा जो नगर था ना, जो गुजरात में मिला है, इसको तीन भाग में बांटा गया है, ठीक है, और हर हिस्से को जो ये पहला ऊंचा है सबसे हाईएस्ट, ठीक है, ये मिडिल हो गया और ये लोअर हो गया। तो ऐसे प्रकार की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है ना, चार हर इसके अंदर जाने के लिए जो है क्या बना हुआ था, एंट्रेंस गेट, प्रवेश द्वार बने हुए थे। तो इस नगर में खुला मैदान भी था और यहीं पर जो है बड़े बड़े जो है पब्लिक जो भी प्रोग्राम आयोजित होते थे। तो धौलावीरा में कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा गया है ना, ऐसे बहुत सारे जो क्या मिला, इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, इंस्क्रिप्शन अभिलेख है, आपको याद होगा, ठीक है बच्चों। तो इंस्क्रिप्शन भी पाए गए हैं अभिलेख, जिसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोगों का वर्ग था जो इस प्रकार काम करते थे। तो ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आम तरह हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तु पर भी बनाए जाते थे। देखो और क्या मिला है, गुजरात में खमाती खारी बहने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, ये आप दिख रहे हैं, ये है लोथल, ठीक है, बंदरगाह, और यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जैसमुंद के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। तो लोथल क्या था, एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जहाँ से जो हड़प्पा के लोग जो व्यापार करते थे दूसरे देशों से, ठीक है, और जो कीमती पत्थर और कच्चा माल जो मंगाते थे दूसरे देशों से, तो जहाज के रास्ते यही लोथल बंदरगाह पे आता था और कच्चा माल यहाँ पे उतारे जाते थे और यहाँ से भी माल बाहर ही भेजे जाते थे। तो यहाँ पे एक मिला बंदरगाह मिले हैं बहुत ज़्यादा है ना, अवशेष मिला है, माल गोदाम भी मिला है, भंडार गृह भी मिला है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था जहाँ पे पत्थर, शंख और धातुओं से बनी चीज़ों का एक जो है सेंटर था। यह भंडार गृह में कई मोहरे, मुद्राकन या मोहराबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से छाप भी मिले हैं, मतलब यहाँ भंडार गृह में। और क्या मिला है, तो बहुत तरह के सील मिले हैं, ठीक है, और मुहरबंदी, मुहरबंदी होता है जो मुहर बनाते थे ना ये लोग व्यापार में, ठीक है। सील होता है किसी, सील होता है जब जिसमें क्या होता है, मुहर लगाती है किसी वस्तु पर, ठप्पा लगाते हैं, और इसको बनाने के लिए क्या होता है कि गीली बंदी जो है वह जो मिट्टी का जो गीला सा होता होगा उसके ऊपर वो लोग जो है किसी चीज को, आकृति को इंस्क्राइब करते थे, ठीक है। तो ऐसी गीली मिट्टी को दबाने से बनी छाप, ऐसे भी जो है अवशेष मिला है। तो ऐसे पता चलता है कि हड़प्पा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी जो है भंडार गोदाम है और सील और मुद्राएं मिली है। इसके अलावा यहाँ पे एक इमारत मिली है जो समुद्र मन के बनाने का काम होता था, और पत्थर के टुकड़े ना बन के पत्थर और तैयार बन के भी यहाँ मिला है। इट मीन्स ये बहुत बड़ा एक क्या उद्योग सेंटर होगा लोथल, जहाँ पर ऐसी चीजें मिली है और आज भी वह अवशेष जो भी कहानी कहता है। तो अब ये देख सकते हो इस चित्र में, डायग्राम में दिख रहा है ये मुद्रा है, और मुद्रांकन के लिए जो मुहर बंदी से मैंने बताया था, ये गीली मिट्टी है, और उसी गीली मिट्टी पे यह स्क्वायर सील जो है वह छाप लगाते थे, और उस पे जो है छाप को मुहरबंदी कहते हैं। तो इसे बहुत सारी चीज़ें तो मिली है, टूटी हुई है, और साबित होता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ भी नहीं हुई है ना, तो छाप टूटी हुई नहीं होती है। लास्ट में बच्चों अब ये थोड़ा सा है सभ्यता के अंत का रहस्य, कि कैसे यह हड़प्पा सभ्यता कहाँ कैसे डिक्लाइन कैसे हो गया, कैसे ख़त्म हो गया। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं बहुत सारे ऐसे कारण थे, ठीक है, कि शायद यहाँ पर क्या हो गया होगा, ठीक है, बहुत बाढ़ आ गए होंगे, या सूखा आ गया होगा, या फिर ना भूकंप आ गया होगा, ना नदियाँ सूख गई होगी,
कुछ लोग क्या कहना है कि जंगल खत्म हो गए होंगे, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि ईंटें पकाने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत होती होगी, तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे जंगल सब काट दिया होगा, ठीक है, तो मवेशियों को भी जो है बहुत सारे जंगल ख़त्म हो गए होंगे, सब मैदान समाप्त हो गया होगा, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, तो ऐसा कुछ कारण स्पष्ट नहीं है कि कैसे अंत हुआ होगा। बट इसमें ऐसा लगता है लास्ट में कि लगभग 3,000 साल के बाद यह सभ्यता जो है उस पर शासकों का कंट्रोल खत्म हो गया, नहीं जो भी हुआ उसका असर साफ दिखने लगा, क्योंकि यह सभ्यता अपने आप जो है वह वीरान और बंजर सी होने लगी, ठीक है, जो सिंध पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी और वहाँ के लोग जो है वहाँ से पलायन कर गए, माइग्रेट हो गए इस वहाँ की तरफ, कुछ दक्षिण चले गए, ठीक है, कुछ नई छोटी बस्तियों में जाकर के बस गया। तो इस प्रकार ये सभ्यता महान सभ्यता का अंत हो जाता है और इसके लगभग 1400 साल बाद फिर शहर नए नगर का विकास हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, 5th एंड 8th में। लास्ट में बच्चों ये थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा देख लो आप लोग, ये जो पिक्चर दिए गए हैं यहाँ पे इजिप्ट मिस्र, ठीक है, अफ्रीका एक देश है, वहाँ भी ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही है ना, सेम टाइम में यहाँ भी इसी प्रकार के शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी, ठीक है, हीरे जवाहर के लिए सेना दूर दूर भेजी और बाहर से इन्होंने सामान को मंगाया, और इन्होंने बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े क्या बनाए, इस प्रकार की आप देखोगे मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहा गया। तो पिरामिड में क्या होता था, नए राजा लोग जब मर जाते थे तो उनको मरने के उनको जो बरियल होता था ना, इनको इन मेरा पिरामिडों में दफना कर ये लोग सुरक्षित रखते थे, ठीक है, तो इनके अंदर जो पिरामिड है ना, ये जो स्मारक कब्र जैसा है मान लो, और इनके अंदर राजाओं को कहना मम्मी जो सबों को लोग जो है वो क्या करते थे सुरक्षित रखते थे, जिसको मम्मी कहा जाता था है ना, मम्मी, और अनेक से उन बहुत सारे जो उनके जो है ना शवों के साथ जो मर जाते थे लोग राजा, उनकी चीज़ें बहुत सारी जो उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें होती थी उनके साथ दफना देते थे, जैसे खाने पीने की चीज़ें, उनके कोल्ड ड्रिंक्स, कपड़े है ना, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके बर्तन है ना, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट हो जाते थे, उनके हथियार, टूल्स, वेपन्स, इवन यहाँ तक कि जानवर को भी उनको साथ दफना दिया जाता था, और समटाइम्स सबके साथ उनकी जो नौ सर्वेंट्स होते थे ना उनको भी दफना देते थे। तो आप देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था, क्योंकि तो इसको बनाना बहुत ही कठिन था, इतना आसान जो नहीं था, इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ होता होगा इन पिरामिडों को बनाने, तो दिस इज द पिरामिड ऑफ इजिप्ट, ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, थैंक्स।